हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन जो क्लास 12th का चैप्टर है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन का, तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से। इस लेसन में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि सॉल्यूशन क्या होता है। कैन यू डिफाइन द सॉल्यूशंस? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर किस चीज़ का मिक्सचर है? ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस which are non-reactive, non-reactive मतलब ये आपस में रिएक्शन ना करें, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन ये जो दो प्योर सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझे कि आपने हवा, एयर के बारे में सब कुछ मालूम होगा आपको कि एयर के अंदर गैसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस मिक्सचर जो होता है वो एयर होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मालूम कि एयर क्या है तो सिंपली एयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब कौन कौन सी गैसेस इसके अंदर होती हैं? तो एयर के अंदर हमारी नाइट्रोजन गैसेस होती है, ऑक्सीजन गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं और वाटर की वेपर भी होती है, या वाटर गैस या वाटर की वेपर कह सकते हो आप। साथ में आपको बहुत सारी गैसेस अदर मिलेंगी इनर्ट गैस की फॉर्म में, जैसे हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। साथ में आपको क्या मिलेगा? डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं एयर के। तो एयर जो है वो भी एक मिक्सचर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का, ठीक है। जैसे आप ब्लड लें तो ब्लड क्या है? ब्लड भी एक मिक्सचर होता है। किस चीज़ का ब्लड मिक्सचर होता है? आप सिंपली कह सकते हो कि ब्लड में ब्लड कार्पल्स होती हैं, दैट मीन्स कार्पल्स, और क्या होता है ब्लड के अंदर? प्लाज्मा। तो इन चीज़ों का मिक्सचर होता है ब्लड के अंदर। थर्ड मोस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं अलॉयज जो होती हैं वो क्या होती हैं? मेटल का मिक्सचर होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटल्स का मिक्सचर है। जैसे कि आपने एग्जांपल देख सुना होगा ब्रास क्या है? ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल का मिक्सचर करके बनाई जाती है, तो अलॉय होती है ये ब्रास। के बाद ब्रॉन्ज आपने नाम सुना होगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील ये भी क्या है? मिक्सचर होता है मेटल्स का। तो जब मेटल का मिक्सचर बनता है तो अलॉय बनती है। ये सब क्या हैं? इसमें ये सब कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? कोई मिक्सचर बनाते हैं। तो अगर ये मिक्सचर ऐसा बन रहा हो जो कि होमोजेनस हो, और होमोजेनस का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स आप मिला रहे हैं वो बराबर बराबर क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, यानी कि उनकी क्वांटिटी जो है वो सॉल्यूशन के अंदर हर एक पॉइंट पर सेम रहे। जैसे कि आप शुगर सॉल्यूशन बना लें, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या है कि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, ये बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर वाटर डाला, शुगर डाली, तो आप जब शुगर को उसमें डिसॉल्व कर देंगे, अब आप एक चम्मच इधर से निकालें या एक चम्मच इधर से निकालें, वो दोनों साइड पर मीठा मिलेगा उतना ही जितनी कि आपने शुगर डाली है, ठीक है। तो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स आर द सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन, हर जगह सेम रहता है, ठीक है। अब ये कंपोजिशन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर आप इस कंपोजिशन को बदल सकते हैं। जैसे शुगर आपने अभी 20 ग्राम डाली, बाद में एक शुगर सॉल्यूशन बना लो आप, उसमें 40 ग्राम डाल दो, तो कंपोजिशन आपका वेरी कर सकता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है उसकी, आप उस लिमिट के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा कि वाटर, एक लीटर वाटर के अंदर आप कितनी शुगर डिसॉल्व कर सकते हो? जितनी डिसॉल्व कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि क्या कंडीशन आ जाएगी? सैचुरेटेड कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सिंपल है, होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। जो आप प्योर सब्सटेंस ले रहे हैं वो सॉल्यूशन के अंदर क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन में आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, और कंपोनेंट क्या होता है?
सिंपल है, कंपोनेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच मेक्स द सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन बना सकता है वो क्या है, कंपोनेंट्स होता है, यानी कि कंपोनेंट्स मेकिंग द सॉल्यूशंस। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है, जो सॉल्यूशन बनाता है, यानी कि सब्सटेंस व्हिच मेक्स द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। द सब्सटेंस व्हिच मेक्स द सॉल्यूशन व्हिच मेक्स द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो जैसे कि हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो सॉल्यूशंस के अंदर आप जो जो प्योर सब्सटेंस मिक्स करेंगे वो क्या होगा, उसको हम कंपोनेंट्स कहेंगे। अब खास बात इन कंपोनेंट्स की क्या होती है, ये कंपोनेंट्स आपस में नॉन रिएक्टिव होते हैं। कंपोनेंट्स जो आप मिलाएंगे वो कैसे होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। नॉन रिएक्टिव का मतलब वो आपस में रिएक्शन ना कर सकें, जैसे कि ऐसा ना है कि आपने हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया और मिक्स कर दिया और बन गया सॉल्यूशन, वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आप मिक्स करेंगे तो रिएक्ट कर जाएगी। जैसे देखो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आप मिक्स करो, इसे सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो, बट इट कांट बी फॉर्म द सॉल्यूशन बिकॉज इट फॉर्म्स ए अदर कंपोनेंट। ये क्या करेगा, दूसरा क्या कर देगा, कंपोनेंट बना देगा, और वो कंपोनेंट क्या है, HCl, ये भी गैस है। तो एक सिंगल कंपोनेंट बन जाएगा और सिंगल कंपोनेंट से आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, तो जो दो कंपोनेंट आप ले रहे हैं वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द कंडीशन फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बनाने के लिए ये एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। अब सॉल्यूशंस के अंदर कुछ टर्म्स आएंगे, तो क्या क्या टर्म्स आएंगे, पहला तो कंपोनेंट की डेफिनेशन हो गई, व्हाट इज द कंपोनेंट्स, द सब्सटेंस व्हिच मेक्स द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के अंदर ही आप दो टर्म्स और देख सकते हो, वो कंपोनेंट्स जो लार्जर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, लार्जर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन द सॉल्यूशन, उस कंपोनेंट्स को हम कहेंगे सॉल्वेंट, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लियर, तो आपको सॉल्वेंट के बारे में पता चल गया कि सॉल्वेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसको सॉल्वेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको हम और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब दूसरा कंपोनेंट्स जो कि लेसर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, उस कंपोनेंट को हम कहेंगे सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, अगर हम सिंपली इंग्लिश में डिफाइन करें तो सॉल्यूट आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वही सॉल्यूट कहलाएगा। अब इसी में हम कुछ टर्म्स और बारीकी से जानेंगे। सॉल्यूशन जब हम बना रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट वाटर होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर सॉल्यूशन के अंदर इफ सॉल्यूशन हैव अ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक सॉल्वेंट मिल रहा है और एक सॉल्यूट मिल रहा है। अगर सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, यानी कि सॉल्वेंट क्या होगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि वाटर के अंदर आप चीज़ कोई दूसरी चीज़ डिसॉल्व कर रहे हैं, दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर सॉल्वेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन नाम सुना होगा, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन हिंदी में कहते हैं, ठीक है, फॉरगेट इट। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्वेंट यूज्ड एज अ वाटर। सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, वाटर, वाटर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अब जिस सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्वेंट वाटर ना यूज करके कोई अदर सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कोई दूसरा सब्सटेंस, बेंजीन है, ठीक है, कोई भी दूसरा सब्सटेंस यूज करें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो ये दो टाइप के सॉल्यूशन है, बेसिक इसकी हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन समझ लो एक बेसिक लेवल पर। तो एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता हो, उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इफ द सॉल्यूशन इन विच द वाटर इज नॉट प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट, दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा।
क्लियर। जैसे कि उसमें बेंजीन होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, या एथाइल अल्कोहल हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट बनाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आप इसको रिवाइज करिए। क्लियर, रफ करें। ओके, तो जब तक हम रफ कर दें आप इसको रिवाइज करें कि सॉल्यूशन क्या है। सिंपल है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि ब्लड है, अलॉयज है और एयर है। ठीक है, ये सारे हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जांपल रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बता सकते हो? सॉल्यूशंस को डिफाइन किया जाता है, एक बेसिक जानकारी आप इसकी और देखें कि अगर आपको सॉल्यूशन का टाइप डिफाइन करना है तो कैसे आप डिफाइन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करने के लिए आप प्योर सब्सटेंस जो ले रहे हैं, यानी कि कंपोनेंट्स जो ले रहे हैं, दैट मींस सॉल्यूशन के अंदर जो आप मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, एक तो सॉल्यूट है, दो कंपोनेंट है और दूसरा सॉल्वेंट है। ठीक है, देयर आर बेसिकली टू कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशंस, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन इससे ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी डिफाइन करते हैं। चलिए, अगर सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, इफ द सॉल्यूशन विच हैव अ टू कंपोनेंट्स ओनली, ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि एक आपका सॉल्यूट है, ओके, और दूसरा आपका सॉल्वेंट है, दो चीज़ें, तो दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, ध्यान सुनिए, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा, तो ऐसे हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक लेवल से चलेंगे, ठीक है, जीरो से और हीरो बना देंगे आपको, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। तो ये तो हो गया दो कंपोनेंट वाला, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा कंपोनेंट, अगर हमें सॉल्यूशन ऐसा मिला जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, अब थ्री में क्या क्या हो सकते हैं, आपके दो सॉल्यूट हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, और वन कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को जब हम बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन, इसका नाम हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। अब तीसरा क्या होगा, अगर सॉल्यूशन के अंदर चार कंपोनेंट प्रेजेंट है, देर आर फोर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशंस, दैट मींस आपके पास तीन सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट कितने, थ्री है, और वन आपके पास सॉल्वेंट है, थ्री क्या होंगे, सॉल्यूट्स होंगे और वन सॉल्वेंट्स होगा, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्लियर, तो ये सॉल्यूशंस का बेसिक टाइप हो गया। तो हम सॉल्यूशन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है, एक टर्नरी सॉल्यूशन होता है, एक क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन अब जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, बेसिकली वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी होगी। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, जिसके अंदर दो कंपोनेंट, वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट, दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। जिसके अंदर तीन कंपोनेंट उसको कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, टू सॉल्यूट्स वन सॉल्वेंट, एंड विच हैव अ फोर कंपोनेंट्स मतलब थ्री सॉल्यूट वन सॉल्वेंट, उसको बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस। अब अगर इसको और डिफाइन करें कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, किस बेस पर, फिजिकल स्टेट के बेस पर। जैसे कि आपको मालूम है किसी भी सब्सटेंस की तीन बेसिक फिजिकल स्टेट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपको पता होगा, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो इसी बेस पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो नौ तरीके के बनते हैं, देयर आर नाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे, नाइन टाइप के होंगे। ठीक है, याद हो गया, कितने टाइप के हैं, नौ तरीके के सॉल्यूशन है। क्यों नौ तरीके के सॉल्यूशन होंगे, अगर हम सॉल्यूशन कौन सा बनाएं, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, तब ये नाइन टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। ध्यान रखना, हम जो नाइन टाइप के सॉल्यूशन लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, टर्नरी और क्वार्टरनरी के लिए नहीं लिख रहे हैं। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है तो हमारे नौ तरीके के बाइनरी सॉल्यूशन बन सकते हैं। अब जो सॉल्यूशन का टाइप जब डिफाइन करेंगे तो हम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट पर डिफाइन करेंगे,
सॉल्वेंट की क्या देखना है आपको, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझाते हैं फिजिकल। आप सुगर सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, सपोज आपने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, इसमें आप वाटर ले रहे हैं और वाटर के साथ में आपने क्या ऐड कर दिया, शुगर, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, आपने सॉल्यूशन बना लिया मिक्स करके, होमोजेनस मिक्सिंग हो गई, अगर मिक्सिंग हो गई तो सॉल्यूशन बन गया। अब जो सॉल्यूशन बना है, ठीक है, जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन आपको सॉलिड मिलेगा कि लिक्विड मिलेगा, बताइए। सॉल्यूशन आपको जैसी बात है शुगर से लिक्विड होता है, तो लिक्विड फॉर्म में मिला, तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या नाम रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन नाम रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ओवरऑल फिजिकल स्टेट आपको दिख रही है वो लिक्विड वाली दिख रही है, वाटर ही वाटर दिख रहा है उसके अंदर जाने के, तो वाटर के अंदर शुगर मिक्स हो रही है, तो जो सॉल्यूशन ओवरऑल बन रहा है वो लिक्विड टाइप का बन रहा है, इसीलिए इसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। तो आप जब टाइप डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन के, तो किस बेस पर डिफाइन करेंगे, फिजिकल स्टेट आप देखने हैं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या, उसके बेस पर सॉल्यूशन के टाइप बनेंगे। 9 टाइप के सॉल्यूशन होंगे, तो हम चलिए शुरू करते हैं इन 9 टाइप के सॉल्यूशन का चार्ट बनाते हैं, ओके। तो तैयार हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशन का एक चार्ट तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मान लो हमारे पास एक यहाँ पर लेते हैं सॉल्वेंट का, और यहाँ करते हैं सॉल्यूट, और यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ कुछ हम एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट हमारे पास सॉलिड, मान लो क्या है, सॉल्वेंट। अब सॉलिड, जब सॉल्वेंट सॉल्यूट, हम तीन तरीके के इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो सॉलिड डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड डिसॉल्व कर सकते हैं, गैस डिसॉल्व कर सकते हैं, तीन में से कोई भी एक हो सकता है। तो अब अगर हम इसमें डिसॉल्व क्या कर रहे हैं, मान लो सॉलिड के अंदर हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। तो जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। एग्जांपल बताओ इसका, सॉलिड सॉल्यूशन का। देखो सॉलिड के अंदर आप सॉलिड मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड के अंदर सॉलिड, ठीक है, तो आप अलॉय देख सकते हो। अभी मैंने आपको अलॉय बताई थी, तो अलॉय बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी अलॉय बनती हैं, ठीक है। एग्जांपल ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ये एग्जांपल याद कर लें, स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, ये सब हैं क्या, ऑल दीज आर अलॉय, ये सब अलॉय है। इसमें क्या होता है, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स करके, यानी कि मेटल के अंदर मेटल मिक्स करके सॉल्यूशन बन जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप, कौन सा टाइप है, सॉलिड सॉल्यूशन। अब अगर हमने सॉलिड के अंदर क्या मिला दिया, लिक्विड मिला दिया, ध्यान रखें सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला रहा है, मतलब सॉलिड बहुत सारा है, बहुत सारा है, लिक्विड कम है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, लिक्विड वाला एग्जांपल अगर आप लें सॉलिड के अंदर मिक्स करना है, जैसे मरकरी, आपको याद होगा मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, और मरकरी को अगर आप मिला दें सॉलिड के अंदर, अब सॉलिड क्या है, सॉलिड आपकी मेटल, मेटल कौन सी, सोडियम, ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा कौन सा है, ये भी सॉलिड सॉल्यूशन ही है, याद रखेंगे। इसमें एग्जांपल आपका क्या है, आपका एग्जांपल है मरकरी जो है एक लिक्विड है, उसको मिक्स कर रहे हैं, मरकरी मिक्स्ड इन सोडियम, सोडियम मेटल के अंदर अगर आप मिक्स करेंगे मरकरी को, तो क्या बनेगा, सोडियम अमलगम बनेगा, एक स्पेशल नाम है अमलगम, ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है, ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें लिक्विड एज अ सॉल्यूट यूज़ किया। अब तीसरा यूज़ करेंगे हम गैस, अब बताओ गैस जब यूज़ करेंगे एज अ सॉल्यूट, यानी कि गैस कम है, ठीक है, सॉलिड ज़्यादा है, तो इसके अंदर मिक्स करें। अब गैस सॉलिड ऐसी क्या चीज़ होती हो सकती है, देखिए गैस जैसे कि हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, गैस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को अगर किसी मेटल के अंदर मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सी ऐसी मेटल है, एक पैलेडियम होती है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन डिसॉल्व
इन पैलेडियम। आप पैलेडियम में डिसॉल्व करो हाइड्रोजन गैस, तो जो सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये गैस सॉलिड गैस का एग्जांपल हो गया। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पैलेडियम में डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि क्या होता है, इसके एडसॉर्प्शन होता है। एडसॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो, पैलेडियम के सरफेस पर आकर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन को डिसॉल्व कर दो पैलेडियम में, सीधी सीधी बात है और कुछ नहीं। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, एग्जांपल याद रहेंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद अगर हम सॉल्वेंट चेंज करें, अब सॉल्वेंट का हमने कर दिया लिक्विड, और यहाँ पर तीनों कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट हमने सॉलिड ले लिया, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल है, आपने ये वाला एग्जांपल देखा ही होगा, जैसे कि आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया। शुगर सॉल्यूशन में क्या बनाते हैं, लिक्विड एज अ वाटर यूज़ करते हैं और सॉलिड क्या होती है, शुगर। तो जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, किस बेस पर डिफाइन करोगे, जो आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन सारा लिक्विड बनेगा, इसे कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ये सारे तीनों टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे। एग्जांपल क्या है आपका लिक्विड सॉल्यूशन की, सुक्रोज डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर। तो अगर आप सुक्रोज को यानी कि शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। ये आपका एग्जांपल है लिक्विड सॉलिड का। दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दो तब भी यही है, सॉल्ट आपका सॉल्यूट है, सॉलिड भी है, ठीक है, वाटर आपका लिक्विड है, तो ये बन गया। अब लिक्विड के अंदर आप क्या यूज डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हैं मान लो, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन लिक्विड के अंदर लिक्विड कौन सा है, एग्जांपल आप मेथनॉल डिसॉल्व कर दो, मेथनॉल इन वाटर, एथेनॉल इन वाटर या मेथनॉल इन वाटर, बेंजीन इन वाटर, कुछ भी कर सकते हो। तो मेथनॉल मतलब एक अल्कोहल है, इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर दो तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, कौन सा लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस। अब तीसरा क्या है, इसके अंदर आप गैस डिसॉल्व करें, गैस कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं ये बताइए, तब भी ये कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है। एग्जांपल क्या है, लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व करना है, ठीक है, बताओ समुद्र के अंदर क्या होता है, फिश, फिश कैसे जिंदा रहती हैं, ब्रीथ करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, कहाँ से लेती हैं, पानी के अंदर से, यानी कि वाटर के अंदर, वाटर क्या लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं फिश, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन जो गैस होती है दैट इज डिसॉल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन। दूसरा CO2 डिसॉल्व इन वाटर, CO2 भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, कैसे, एग्जांपल बताओ। अब एक कोल्ड ड्रिंक देखें ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या है, CO2, तो CO2 भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, तो ये आपका क्या बन गया, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन है बेसिकली। तो ये दो एग्जांपल हो गए आपके लिक्विड गैस सॉल्यूशन के। अब ये तीनों हो गए, अब बात करते हैं हम गैस वाले। गैस के अंदर आप गैस मिक्स करो, सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है, तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, गैस का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये सारे सॉल्यूशन कौन से होंगे, गैस सॉल्यूशन होंगे, गैस गैस सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है गैस गैस सॉल्यूशन, अरे भाई एयर ले लो, एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, तो ये क्या है आपका गैस गैस सॉल्यूशन, क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लो, गैस के अंदर आप क्या मिक्स कर रहे हो, गैस के अंदर आप लिक्विड मिक्स कर दो मान लो, गैस के अंदर लिक्विड, भाई कैसे मिक्स करोगे, गैस बहुत सारी है उसके अंदर लिक्विड मिक्स करो, कैसे मिक्स करोगे भाई। आपने एटमॉस्फेयर में देखा, क्या देखा कि हवा है, हवा के अंदर वाटर की वेपर आके डिसॉल्व हो जाती है ना, वाटर की वेपर क्या है, लिक्विड, तो आपने देखा होगा। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर वेपर, वाटर वेपर इन एयर, एयर मतलब गैस, ठीक है। तो वाटर वेपर इन एयर, ये हमारा गैस लिक्विड का एग्जांपल हो गया। तो इससे क्या बनता है, ह्यूमिडिटी बनती है ना, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट होगी ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये एग्जांपल। दूसरा तीसरा एग्जांपल क्या है आपका, गैस के अंदर सॉलिड मिक्स करो, भैया कैसे करोगे, गैस के अंदर सॉलिड मिक्स करना है। एग्जांपल क्या है, वही हमारा एटमॉस्फेयर का एग्जांपल ले लो, एयर,
एयर के अंदर क्या होती है आपकी डस्ट, डस्ट सॉलिड है, डस्ट इन एयर, ठीक है। डस्ट क्या है, सॉलिड, डस्ट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारा गैस सॉलिड का। तो दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले जो हम ज़्यादातर देखते हैं अपने चारों तरफ सॉल्यूशन, वो बेसिकली तीन है। कौन कौन से, ये वाले लिक्विड वाले, ये तीन लिक्विड वाले सॉल्यूशन जो हैं हमारे, बेसिकली हम यही अपने चारों तरफ देखते हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हीं के बारे में बात चलती रहती है। जैसे आप लिक्विड सॉलिड को मिक्स करके क्या बनाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, सुक्रोज डिसॉल्व इन द वाटर के अंदर। आप ये भी बनाते हैं लिक्विड लिक्विड में, मेथनॉल इन वाटर। लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कि मेथनॉल को वाटर में डिसॉल्व करके 20% मेथनॉल सॉल्यूशन बनाते हैं, एथेनॉल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, 30% बनाते हैं, 40% एथेनॉल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन बनाते हैं। बीएससी में आपने लेबोरेटरी में ये बनाया होगा, या आप 12th में ही बनाते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑल क्लियर, सबको समझ में आ चुका होगा, ये आप नोट कर लें और इन एग्जांपल को अच्छी तरीके से याद कर लें। क्लियर, रफ करें, वीडियो पॉज करके लिख लें, ठीक है, रफ करें, ओके। अब हम बात करेंगे बेसिकली क्या सॉल्यूशंस के कुछ और टर्म्स, सॉल्यूशन में और क्या टर्म्स हो सकते हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में बेसिकली आपके एक सॉल्यूशन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। कैसे, तो अब हम सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं, ओके। सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन के बेस पर, ठीक है, दो तरीके का सॉल्यूशन बन जाता है। कौन कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है, एक तो सॉल्यूशन बन जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। सॉल्यूशन की सॉल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो। अब अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, सॉल्यूट इन अ लार्जर अमाउंट, ठीक है, ग्रेटर अमाउंट कह सकते हो, लार्जर अमाउंट कह सकते हो, अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दो तरीके के इस बेस पर भी डिफाइन हो जाते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कंपोजिशन के बेस पर, ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं, यानी कि कितना सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है। तो सॉल्यूशन को मीज़र कैसे करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन को मीज़र करने के कुछ टर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स होती हैं, इन्हें कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये कितनी कंसंट्रेशन, बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट या सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर हम इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन कर पाते हैं। तो बेसिकली हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, और दूसरी एक कंसंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब भाई क्या मतलब है इसका, देखो सिंपल भाषा में समझाएं अगर, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब होता है कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड हो, समझ रहे, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, टेम्परेचर कम करोगे तब भी कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब आप टेम्परेचर कम करो या ज़्यादा करो उसकी कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो वो गाढ़ा होगा ना पतला होगा, है ना। तो कौन कौन सी ऐसी टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, तो एक तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो है मास परसेंटेज, ठीक है, नहीं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर से चेंज हो जाती है,
परसेंटेज, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरी टर्म होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कह सकते हैं उसको, जिसको हम वी बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम बाई वी से या डब्ल्यू बाई वी से, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और ये वॉल्यूम परसेंटेज, ये दो टर्म्स हो गई। तीसरी टर्म्स होती है हमारी मोलैरिटी, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मोलैरिटी के बाद आती है नॉर्मेलिटी, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म होती है, ठीक है। टेम्परेचर जो इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं वो होती हैं मास परसेंटेज वाली, मास परसेंटेज मतलब मास बाय मास परसेंटेज कहते हैं इसको, यानी कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी जो कंसंट्रेशन टर्म है उसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। एक पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करेंगे, ये सब में अप्लाई होता है, या पार्ट्स पर बिलियन की बात करेंगे, ठीक है, ये सभी में अप्लाई होता है। दोनों तरीके की टर्म्स होती हैं इसमें। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, क्या होती हैं ये। चलो, तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। देखो, सॉल्यूशन के अंदर दो टर्म्स हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर आप क्या मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं। जैसे जैसे आप सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो हम यहाँ पे क्या करें, मास ले लें किसका, मास ऑफ सॉल्यूट का, अपॉन कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर दो 100, ठीक है, इनटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज, परसेंटेज मीन होता है 100। तो ये आपको क्या देगा, डब्ल्यू पाई वी देगा, वी परसेंटेज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वॉल्यूम किस में लेंगे आप, ml में ले सकते हो, लीटर में भी ले सकते हैं, तो किसी में भी लो, ml में लिया, ठीक है, वॉल्यूम ml में। जैसे कि एग्जांपल क्या है, हमने कहा 10%, 10% क्या है हमारे पास, Na2CO3 बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या लिखें, मीन्स कि 10 ग्राम Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन कौन सा, कितना ले रहे हैं, 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम Na2CO3 जब डिसॉल्व करेंगे तो ये कहलाएगा 10%, क्या, बाय वॉल्यूम से, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पर 10% लिखा हो या W अपॉन V लिखा हो, ऐसे भी लिखा सकते हैं मास बाय वी, एम अपॉन वी यानी कि मास वेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, सिंपल है, तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन में मास बाय वॉल्यूम। दूसरा अगर हम बात करें, इसी को चेंज करते रहो आप, वॉल्यूम परसेंटेज है, तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है V बाई V परसेंटेज। मतलब आप किसका निकाल रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, सॉल्यूट का ही निकलता है, तो इसका वॉल्यूम लें आप सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट इन ml, ml में लो या वॉल्यूम ले लो, सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसको डिवाइड करें आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इनटू 100 कर दो, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम परसेंटेज मिलेगा, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे कि एग्जांपल क्या है,
10% वी बाई वी एच सी एल है, ठीक है। एच सी एल छोड़ो, हमारे पास क्या है, दूसरा ले लो H2SO4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर इस तरीके से लिखा हुआ होगा वी बाई वी H2SO4, दैट मीन्स 10 ml H2SO4 आर डिजॉल्व इन, इज डिजॉल्व इन, ये डिजॉल्व है, ठीक है। कितने में डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml H2SO4 प्रेजेंट है, तो ये निकल गया आपका 10%, ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो हम 10% इसका फॉर्मूले से बन भी जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल क्या है, 10% वी अपॉन वी H2SO4 है, इसका मतलब कि 10 ml H2SO4 है और 100 ml सॉल्यूशन के अंदर वो रिजॉल्व है, क्लियर। तो दो टर्म समझ में आ गए, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन कराएंगे तब आपको और क्लियर होगा, नोट कर लें, ठीक है, रफ करें। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सिंपल हैं, बट अगर याद नहीं किए तो इट क्रिएट द प्रॉब्लम्स, है ना। अब बात करते हैं, चलो दूसरा। अच्छा, ये वाली टर्म्स जो है टेम्परेचर बदलने पर बदल जाएंगे, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर आप जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है, एक्सपेंड करता है। टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसलिए ये चेंज हो जाती है कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के चेंज होने पर। मास परसेंटेज की अगर बात करें, मास परसेंटेज क्या होता है कि आप मास ले रहे हैं किसका, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट भी ले रहे हैं किसमें, मास मतलब उसका वेट ले रहे हैं, फिर क्या ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी आप मास ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो मास परसेंटेज बन जाएगा। जैसे कि आपको पढ़े कि 10% एम अपॉन एम है, क्या है हमारे पास, मान लो हमारे पास क्या है, NaOH है, 10% एम अपॉन एम NaOH है, यानी कि मास परसेंटेज है NaOH का। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना है, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, तो ये 10% का मीनिंग हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ से मोलैरिटी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज कहा मैंने कि 15 ग्राम ऑफ Na2CO3 है, या NaCl है, मान लो नमक है, 15 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन कितने में, मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ किसमें, मान लो वाटर में डिजॉल्व है, सिंपल 100 ग्राम वाटर में कितना है, 15 ग्राम NaCl डिजॉल्व है, तो आप इसकी परसेंटेज निकालिए, कौन सी परसेंटेज निकलेगी, मास बाय मास परसेंटेज निकली, तो मास परसेंटेज किसकी निकलना है, NaCl की, मास परसेंटेज ऑफ NaCl इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ NaCl, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाई कर दो 100, तो मास ऑफ NaCl कितना है, 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा, 15%, क्या आएगा, मास परसेंटेज, मास बाय मास, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल है, इजी कर लोगे, ओके, लिख लिया, रफ करें, चलो आगे। अब हम बात करते हैं इसके अगले कंसंट्रेशन टर्म्स की, अब हम इसको पूरा ही रफ करते हैं। अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आपके काफ़ी बनेंगे। जैसे क्या है मोलैरिटी, मोलैरिटी सीधी सीधे समझो कि गाढ़ापन कितना है, ठीक है। कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन
इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी, या 100 ml छोड़ो, 1 लीटर में कर लो, पर लीटर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो उसकी मोलैरिटी होगी। तो डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ये वर्ड यहाँ पर याद रखना है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेंगे आप वो लीटर में लेंगे, उसके अंदर आप कितने मोल डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट के। तो अब ये मोल क्या है, ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं मोल्स क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए मोल्स क्या हैं, मोल्स को हम कहते हैं कि उसका वेट, किसका वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट। आप मोल किसके निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के निकाल रहे हैं, तो वेट भी सॉल्यूट का लें, ठीक है, और फिर इसका लें आप मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास ऑफ किसका लेंगे, सॉल्यूट का, ये क्या निकलेगा, मोल्स निकलेगा, ठीक है। मोल्स क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स की यूनिट क्या है, देयर इज नो यूनिट, यूनिट यूनिट लेस है मोल, क्यों है बताओ, यूनिट लेस है क्यों, अरे भाई वेट है, यहाँ पर भी मास है, मास है, मास है, ग्राम ग्राम कट जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 40 ग्राम ऑफ NaCl है, नहीं NaCl छोड़ो, NaOH है, तो बताओ इसके मोल कितने हैं, ठीक है, 40 ग्राम के हमारे पास NaOH है, तो बताओ मोल्स कितने हैं NaOH के। तो सिंपल है, मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, वेट लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH, तो वेट ऑफ NaOH अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसका लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH सॉल्यूट, ठीक है। वेट NaOH का कितना है, 40, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, देखो एटम का जो मास होता है सबको ऐड करो, ठीक है, और मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा, इसका पूरे का मास मॉलिक्यूलर मास है, इसका मास कैसे निकालेंगे आप, हर एक एलिमेंट का मास निकाल लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीन एलिमेंट है यहाँ पर एटम, तो एक सोडियम है, सोडियम का एटमिक मास कितना है, 23, ऑक्सीजन का एटमिक मास कितना है, 16, हाइड्रोजन का कितना है, 1, ऐड करो 3, 6, 9, 1, 0, 10, 1 कैरी हो गया, 2, 3, 4 कितना आया, 40। अब ये जो निकला है वो पूरा क्या निकला है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या आ गया, 40, ऊपर वेट आया 40 ग्राम, नीचे वेट आया मॉलिक्यूलर मास यानी कि 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 40 कट गया, कितना आया, 1। तो NaOH के कितने मोल निकल कर आए, 1 मोल निकल कर आया, तो आप इसकी मोलैरिटी अगर निकालें, दैट मीन्स अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 या 1000 कर लो, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 4 ग्राम NaOH मिलाया, तो बताओ मोलैरिटी कितनी है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी बनी। सिंपल ध्यान दो, जैसे ये हमारे पास इसमें NaOH मिला दिया है, किस में ये सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है वाटर में बनाया जा रहा है इसका सॉल्यूशन, वाटर के अंदर NaOH मिलाया है, कितना 4 ग्राम, कितना वाटर लिया है, वाटर हमें नहीं पता कितना लिया है, हमने जब पूरा सॉल्यूशन बनाया उसका वॉल्यूम आया 1000 ml, 1 लीटर, तो इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट तो हमें पता है क्या है, NaOH, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, NaOH आपने कितना डिसॉल्व किया, 4 ग्राम, वाटर कितना है पता नहीं भाई कितना है, सॉल्यूशन बना है हमें इतना मालूम है, कितना बना है, 1000 ml, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन 1000 ml बना है, लेकिन उसमें क्या मिलाया, 4 ग्राम NaOH मिलाया है, लेकिन सॉल्वेंट कितना मिलाया पता नहीं, आप सॉल्वेंट शुरू में कितना भी वाटर लो, ठीक है, मान लो आप 1000 ml से थोड़ा कम वाटर लो, जैसे 900 ml वाटर ले लिया, उसमें 4 ग्राम NaOH मिला दो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा कम आएगा, ठीक है,
उसमें और थोड़ा वाटर डिजॉल्व करो और 1000 ml सोल्यूशन बना लो, सिंपल बन जाएगा 1000 ml का सोल्यूशन, उसमें वाटर आ जाएगा जितना भी आए। तो इसकी मोलैरिटी आपको बतानी है। तो मोलैरिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालो किसके, NaOH के जो सॉल्यूट है उसका। फिर आप वॉल्यूम पता करो, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, ये ध्यान रखें सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में, इन लीटर में लगाना है। तो मोल निकालने के लिए अभी हमने बताया कि अगर मोल निकालना है तो वेट लगाओ और उसका मॉलिक्यूलर मास लगाए, ठीक है। तो वेट NaOH का कितना है, 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 ग्राम, कट गया कितना आया, 1/10। तो मोल NaOH के कितने आए, 1/10, ठीक है, मोल हैं NaOH के 1/10, तो 1/10 मोल रख दिए NaOH के। वॉल्यूम कितना है, 1000 ml यानी कि 1 लीटर, ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आया, 0.1। तो ये कितना आया, 0.1 इसकी मोलैरिटी है। अब बताओ यूनिट क्या है इसकी मोलैरिटी की, ऊपर मोल लगाए हुए हैं और नीचे वॉल्यूम लगा हुआ है, तो वॉल्यूम किस में है, लीटर में। तो मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं मोलैरिटी का, क्या बना, मोल्स, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं एल वी से, और इसमें एल लगा दिया कैपिटल, मतलब वॉल्यूम इन लीटर किसका, सॉल्यूशन का। तो ये मोलैरिटी की डेफिनेशन, और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। इसको और शॉर्ट करें और लेंथी थोड़ा सा लंबा बनाएं, तो मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वॉल्यूम नीचे है ही इन लीटर में, तो ये वॉल्यूम इसके अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वीएल। तो एक फॉर्मूला मोलैरिटी का, मोलैरिटी का आपका ये बन गया, तो डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इनटू वीएल, ओके। तो ये दो फॉर्मूले बहुत काम के हैं, आपको मोलैरिटी इससे पता चल जाती है, मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या है, यूनिट इज मोल पर लीटर, क्लियर। इतना ही आप उतार लीजिए, इसको रफ करते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ओके, रफ करें। तो यहाँ तक हमने मोलैरिटी कर लिया, ठीक है, अब मोलैरिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और बेहतर इसको समझ में आ सके। पहले तो आप इसके फॉर्मूले लिख लें, अभी तक आपने जो जो फॉर्मूले पढ़े हैं सिंपल है, आपने एक मोल का फॉर्मूला पढ़ा, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कह सकते हो या मोलिकुलर मास कह सकते हो, एक फॉर्मूला ये हो गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन अपॉन वी एल, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, मोल की जगह मोल का फार्मूला रख दो, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास कुछ भी कर लो, ठीक है, इनटू वी एल, वॉल्यूम इन लीटर किसका, सॉल्यूशन का, एक फार्मूला ये बन गया। दूसरा फार्मूला आप एक और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वी किस में ले लें, ml में, तो मल्टीप्लाई ऊपर करें 1000 से, ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। मतलब जैसे कि आपको मालूम है वॉल्यूम है 1 लीटर है, उसको आप ml में लिखो, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो यहाँ ml में कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दी 1000 से, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम किसकी, दूसरे टर्म की, जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होती है, आप इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व करेंगे, किस में डिसॉल्व, किसके मोल ले रहे हैं पहले ये लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, इन सॉल्यूशन के अंदर, नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह पर आप सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट
सॉल्वेंट टेकिंग इनटू केजी, टेकिंग इनटू केजी, समझिए, यानी कि आप केजी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लें, यानी कि मास लें उसका, उसमें मोल डिसॉल्व कर दें, समझ रहे हैं, मोलैरिटी बन जाएगी। मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी स्मॉल एम, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे, इन केजी, ये आपका फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे आपने एग्जांपल लिया 10 ग्राम ऑफ मान लीजिए HCl है, एसिड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपने 10 ग्राम HCl डिसॉल्व किया, फाइंड द मोलैरिटी, या मोलैरिटी फाइंड करो पहले, फाइंड द मोलैरिटी, आप इसकी मोलैरिटी निकालें। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम मोल्स निकाल लें, किसके, मोल्स ऑफ HCl यानी कि सॉल्यूट। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर मास, तो वेट हमारा HCl का कितना है, 10 ग्राम, मोलिकुलर मास HCl का कितना है भाई साहब, HCl का मोलिकुलर मास, Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5, H का 1, टोटल हो गया 36.5, क्लियर, ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 10/36.5, ये हमारे मोल निकला है, कितने में डिसॉल्व है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जबकि मोलैरिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ध्यान दो इधर, सॉल्यूशन जो है इसके अंदर सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का हमें वेट दे रखा था 10 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट नहीं दे रखा है, सॉल्यूशन का वेट दे रखा है 100 ग्राम। तो जाहिर सी होता है 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 में से 10 माइनस कर दो, सॉल्वेंट मिल जाएगा कितना, 90 ग्राम, क्लियर। तो मास मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैरिटी क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स 10/36.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम में आया निकल के, हमें लगाना है केजी में, मल्टीप्लाई करो 1000 से। ठीक है, तो ये ग्राम यहाँ से हटा देंगे, क्लियर, या नहीं हटाएंगे, हटाओगे क्यों, लगाए रहें तो ऊपर है ही नहीं ग्राम, और तो एक ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 1000 ऊपर आएगा, 1000/9 मोलैरिटी आ गई, किस में आएगी, ये ऊपर हमने मोल लिए थे, मोल, और नीचे क्या लिया, ग्राम, मोल पर ग्राम, ठीक है, या मोल पर केजी कर लो, जो भी यूनिट में आएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर केजी या फिर मोल पर ग्राम, तो यहाँ पर हमने ग्राम में रखा है, तो मोल पर ग्राम लगा लो, क्लियर, इसको डिवाइड करेंगे, मोलैरिटी आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट मोलैरिटी। अब बात करते हैं हमारा सेकंड, मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, देखो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन क्या होता है जनरली, जैसे 2/3 क्या ये फ्रैक्शन है ना, 2/3 एक फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर भी एक नंबर होगा, नीचे भी एक नंबर होगा, एक नोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, ऐसे मोल फ्रैक्शन के अंदर होगा, मोल का फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकलता है, सॉल्वेंट का भी निकलता है, फ्रैक्शन निकलता है, मतलब ये कितना फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर है, ये कितना फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब ये कितना परसेंटेज सॉल्यूशन के अंदर है, और ये कितना परसेंटेज सॉल्यूशन के अंदर है, यही मोल फ्रैक्शन होता है। तो नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकाल रहे हैं, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे काय वर्ड से। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट है तो हम लिखेंगे काय, बी, बी हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन सॉल्यूट के लिए, ए रिप्रेजेंट करेंगे
सॉल्वेंट को, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं तो हमें पहले चेक करने के पड़ेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल सॉल्यूट के, कितने मोल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रखेंगे आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों के मोल आप जोड़ दें, प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। मतलब आप इसके मोल दोनों को जोड़ें और पता करें उसमें इसके मोल कितने हैं, समझे। तो दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा, जिसका निकलेगा उसको ऊपर रखें और टोटल मोल नीचे रखें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के मोल नीचे रखें, ऐड कर दें, ये आपका मोल फ्रैक्शन निकलेगा। यानी कि काय भी अगर इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल क्या होता है स्मॉल एन, सॉल्यूट के लिए आप वी वर्ड इस्तेमाल करें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी प्लस एन ए, ठीक है। ये आ गया आपके मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के। अगर आप मोल फ्रैक्शन किसके निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्वेंट के, तो ए से रिप्रेजेंट करें, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल रखें आप, सॉल्वेंट के मोल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये भी फॉर्मूला बन गया। तो ये सिंपल है मोल फ्रैक्शन कि कितने मोल कितने में डिसॉल्व है टोटल में, ठीक है। ये हमें मिलता है मोल फ्रैक्शन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो ये चेंज नहीं होने का, क्यों, क्योंकि इसमें मास आ रहा है, ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये आप नोट करें इसको, इसके बाद हम रफ करते हैं इसको, ठीक है, रफ करें। ओके, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया। अगर ए के कंपोनेंट्स के मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल एन ए प्लस एन बी, एक फॉर्मूला ये लिख लिया। दूसरा, काय बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक फॉर्मूला हमारा मोल फ्रैक्शन का ये हो गया। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, ये फॉर्मूला, इसको सिंबल में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो एन अपॉन डब्ल्यू ए, ए फॉर सॉल्वेंट के लिए लिया जाता है, इन केजी एम, ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन केजी में लगाएं, नंबर ऑफ मोल्स लगें किसके, सॉल्यूट के, तो आप एन बी यहाँ पे लिख सकते हो, बी फॉर सॉल्यूट के लिए यूज़ करना है। यूनिट अगर देखें तो मोल पर केजी, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो मोल पर मोल कट गया, नो यूनिट, इसमें क्या है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसकी, इसकी नो यूनिट, इसकी मोल पर लीटर, इसकी ये भी मोलैरिटी है मोल पर लीटर, मोल की यूनिट क्या है, नो यूनिट, ये भी यूनिटलेस है, ठीक है, याद रखेंगे आप किस किस की यूनिट क्या होती है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की, तब तक के लिए आप रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है।